आम का सीजन आते ही कुछ नया बनाने का मन करता है, तो मैंने भी आज बनाया है मैंगो ब्लास्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की कमाल की रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंगो ब्लास्ट बनाने के लिए हमें ले लेना है हापुस आम। आए हाय क्या महक है। सो बस यहाँ पे इसको अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। उसके बाद ना हम दोनों हिस्सों को आगे पीछे कट कर लेंगे और इसके बाद इसका जो पल्क है मतलब जो गुदा है वो सब कुछ निकाल लेंगे और इसको हम एकदम अच्छी तरीके से ऐसे पहले चाकू से की मदद से कट करेंगे और फिर स्पून की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। और ऐसा कितना मज़ा आता है ना, वो स्लाइस वगैरह पे फोटो रहता है, देखिए मुझे बड़ा कमाल का लगता है यार। आपको भी पसंद है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से अच्छा लगता है देखने को भी। मेरे बच्चे तो बोल रहे थे ऐसे ही दे दो, हम ऐसे ही खा लेंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं स्पून की मदद से निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप मैंगो ब्लास्ट जो भी चीज़ों से बनाइए, मतलब जो भी आम से बनाइए, पर अगर हापुस आम से बनाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बनेगा। बिकॉज़ हापुस आम बहुत ही अलग फ्लेवर का है, बहुत ही अलग उसका स्वाद होता है और काफ़ी मीठा होना चाहिए आम। और केसर से भी बना सकते हो और भी जो दो तीन आम होते हैं सब उससे बना सकते हो आप, जिसका गुदा मीठा हो। और याद रखिए मैंगो ब्लास्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध, मैंगो, तो ये दोनों चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने मैंगो को इस तरीके से डाल दिया, फिर उसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध, उसके बाद डाल दिया चीनी। उसके बाद क्या करना है, इसको मिक्सी में पीस लेना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम एक ग्लास लेंगे, अब जो करना है वो यहाँ करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पहले नीचे मैंगो डालेंगे, मैंगो जूस, उसके बाद हम डालेंगे ये बाइट्स मैंगो की। जो मैंगो हम ब्लास्ट बना रहे हैं ना वो यही है, जब आपके मुंह में ये मैंगो के छोटे छोटे बाइट्स आएंगे ना तो वही तो ब्लास्ट करेंगे। सो बस यहाँ पे फिर से इसी तरीके से दो तीन लेयर कर देना है और उसके बाद फाइनली ऊपर भी डाल दीजिए ढेर सारा मैंगो। और उसके बाद आप यम्मी सा, इसको और चाहिए तो और ठंडा करके खाइए, मज़ेदार है एकदम। ऐसी ही कमाल की गर्मियों भर आपके लिए रेसिपी लेके आती रहूँगी। तो वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगी, बाय बाय।